तो आज हम लोग मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे। मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध, संबंध और इसके अंतर्गत हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है मानव विज्ञान एवं समाज विज्ञान। तो सबसे पहले हम मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के बीच जो संबंध है उस संबंध का अध्ययन करेंगे। यानी पहला जो टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है। अंतर संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक मॉडल हम यहाँ पर आपको बताएंगे और उसी मॉडल के अनुरूप जो है अन्य विषयों के साथ भी जब मानव विज्ञान के संबंध का अध्ययन करेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मटेरियल को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अगर हमें मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करना है तो पहला चीज़ आपको क्या करना है कि इसको परिभाषित करना है कि मानव विज्ञान क्या है, और फिर आपको बताना है कि समाजशास्त्र क्या है, राइट। इसके बाद हमें बात करनी है दोनों में अंतर संबंध है और अंतर संबंध का मतलब है कि दोनों में कुछ समानता है, और ये समानता को जब हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो हमें एक तो विषय वस्तु के संदर्भ में समानता दिखानी है, दूसरा अध्ययन पद्धति के संदर्भ में समानता, और तीसरा इनके उपयोग के संदर्भ में समानता, और इसके बाद हमें बात करनी है अंतर के संदर्भ में। अंतर को दो भागों में बाइफरकेट करके दिखाएंगे और फिर हमें निष्कर्ष लिखनी होती है। तो आप इन जो मॉडल की हम बात कर रहे हैं इस मॉडल को आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी विषय के साथ जब मानव विज्ञान के अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे तो हम इस मॉडल को फॉलो करेंगे, इसी के अनुरूप जो है हमें अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मटेरियल्स को प्रस्तुत करेंगे। और अब हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस संबंध को दिखा सकते हैं मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र, राइट। तो मानव विज्ञान क्या है? तो मानव विज्ञान ये समग्रता में मानव का अध्ययन है, समग्रता में मानव का अध्ययन, राइट। समग्रता का मतलब क्या हुआ कि मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। सभी पक्षों के अध्ययन का मतलब क्या है कि यह है मानव के जैविक उत्पत्ति एवं उद्विकास का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही साथ मानव के जो जैविक विभिन्नता है उस जैविक विभिन्नता का भी अध्ययन करता है। इसके अलावा यह मानव के सांस्कृतिक उद्विकास एवं सांस्कृतिक विभिन्नता का भी अध्ययन करता है, मानव के सामाजिक पक्ष का भी अध्ययन करता है, मानव के आर्थिक पक्ष का भी अध्ययन करता है, मानव के राजनीतिक पक्ष का भी अध्ययन करता है, धर्म प्रथा परम्परा मनोविज्ञान, यानी सभी पक्षों का अध्ययन मानव विज्ञान करता है। और इसलिए हम कहते हैं कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र यह मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, यानी कि समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। और इसलिए जब हम इस विषय वस्तु को अगर लिखने का प्रयास करेंगे
तो हमें इस बात को लिखना है कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। फिर हम बात करेंगे कि किंतु दोनों विषय एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, ये दोनों विषय एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, यानी दोनों विषयों के बीच कुछ समानता है ना। अंतः संबंधित का मतलब क्या है कि दोनों विषय एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, और इस इंटररिलेशन का कारण क्या है कि इस इंटररिलेशन के कारण दोनों में कुछ हद तक समानता है। तो इस समानता को दिखाने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि जो मानव विज्ञान है उसकी एक शाखा है सामाजिक मानव विज्ञान। सामाजिक मानव विज्ञान, और ये जो सामाजिक मानव विज्ञान की एक शाखा है, जब इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं तो एक चीज ध्यान में ये रखना है कि 19वीं शताब्दी में इसका विकास ब्रिटेन में समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ। समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका विकास हुआ, और इस कारण से जो मानव विज्ञान की शाखा सामाजिक मानव विज्ञान है और समाजशास्त्र, इसमें काफ़ी समानता है, क्योंकि सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के जो विषय वस्तु हैं, दोनों के विषय वस्तु हैं, इस विषय वस्तु में समानता है। जैसे सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मानव के सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, मानव के सामाजिक संगठन का अध्ययन करता है, मानव के सामाजिक समूह का अध्ययन करता है, मानव समुदाय का अध्ययन करता है, मानव समाज में सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, मानव समाज की मूलभूत जो संस्थाएं हैं जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, इसके अलावा जो आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग की जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि का अध्ययन सामाजिक मानव विज्ञान भी करता है और समाजशास्त्र भी करता है। इसके साथ ही साथ मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र दोनों में ही मानव के राजनीतिक संगठन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वृंद समुदाय का अध्ययन किया जाता है, जनजाति का अध्ययन किया जाता है, मुखिया तंत्र का अध्ययन किया जाता है एवं राज्य समाज का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव विज्ञान के अंतर्गत और समाजशास्त्र दोनों में ही हम सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, और समाज में किस प्रकार से कानून एवं न्याय को क्रियान्वित किया जाता है, इस विषय वस्तु का अध्ययन मानव विज्ञान भी करता है और समाजशास्त्र भी करता है। इसके साथ ही साथ दोनों ही सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों में धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, मानव व्यवहार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, और इसलिए जब हम अध्ययन करते हैं सामाजिक मानव विज्ञान जो मानव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है और समाजशास्त्र, तो दोनों के इन विषय वस्तु में पर्याप्त समानता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट समानताएं दोनों में दिखाई देती हैं वो है इनकी अध्ययन पद्धति का। जैसा कि हमने आपको बताया कि मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र और खासकर मानव विज्ञान की शाखा सामाजिक मानव विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ। तो जब समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में सामाजिक मानव विज्ञान का विकास होता है, तो सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन में उन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, उन मेथडों का उपयोग किया जाता है, उन तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो समाजशास्त्र में उपयोग किए जाते थे। जैसे दोनों ही में हम साक्षात्कार, इंटरव्यू, दोनों ही में प्रश्नावली, अनुसूची, केस स्टडी इत्यादि से संबंधित मेथड का प्रयोग करते हैं, और इसलिए दोनों विषयों में पर्याप्त समानता है।
और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इनका उपयोग तो मानव विज्ञान की जो शाखा है सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र, इसके जो ज्ञान हैं और तथ्य हैं, इन ज्ञान एवं तथ्यों का उपयोग समकालीन मानव के सामाजिक समस्याओं के निराकरण में किया जाता है और इस कारण से दोनों ही सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों में घनिष्ठ संबंध है, दोनों अंतः संबंधित हैं और इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के बीच गहन अंतः संबंध है। लेकिन इतनी समानता होने के बावजूद दोनों में मूलभूत अंतर है। क्या है कि दोनों में मूलभूत अंतर है और इस मूलभूत अंतर को दिखाने के लिए हमें दो भाग में आप बांट लीजिए, है ना। एक तरफ आप बात कीजिए मानव विज्ञान और दूसरी तरफ बात कीजिए समाजशास्त्र, राइट। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो अंतर ये है कि मानव विज्ञान क्या है कि समग्रता में मानव का अध्ययन है। ध्यान ये रखना है कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है जबकि समाजशास्त्र केवल मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जहाँ मानव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम कुछ लिमिटेड पक्ष का अध्ययन करते हैं और इस तरह से मानव विज्ञान एक समग्र विज्ञान है तो समाजशास्त्र एक आंशिक विज्ञान है, उसका पार्ट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखना है अंतर में, तो अंतर के अंतर्गत अगर हम मानव विज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं तो मानव विज्ञान का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है। क्यों व्यापक है? क्योंकि मानव विज्ञान के अंतर्गत हम मनुष्य के जैविक उत्पत्ति, जैविक उद्विकास, जैविक विभिन्नता, सांस्कृतिक उद्विकास, सांस्कृतिक विभिन्नता, मानव की सामाजिक व्यवस्था, मानव की आर्थिक व्यवस्था, मानव की राजनीतिक संगठन, धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, मानव व्यवहार, मानव इतिहास, मानव भूगोल, मानव पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि मनुष्य के सभी पक्षों का मानव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और इसलिए मानव विज्ञान का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक होता है। जबकि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र क्या है? संकीर्ण है, नैरो है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के केवल और केवल सामाजिक पक्षों का अध्ययन करता है, इसलिए हम कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है, जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, वो लिमिटेड है जबकि मानव विज्ञान का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अंतर के संदर्भ में हमें समझना है वो यह है कि मानव विज्ञान में मुख्यतः आदिम समाज का अध्ययन, यहाँ आदिम समाज का अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है हम आधुनिक समाज का अध्ययन करते हैं, आधुनिक एवं समकालीन समाज का अध्ययन करते हैं। तो इस कारण से दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर आपको दिखाई देगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम मानव विज्ञान के अंतर्गत हम कहते हैं कि हम मानव के पास्ट का भी अध्ययन करते हैं जबकि समाजशास्त्र केवल मानव के समकालीन समाज का अध्ययन करता है। समकालीन में भी आधुनिक नगरीय जो समाज है, इस आधुनिक नगरीय समाज का अध्ययन समाजशास्त्र करता है और इसलिए समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में अंतर पाई जाती है। तीसरा, नेक्स्ट जो चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मानव विज्ञान के अंतर्गत हम जब मनुष्य का अध्ययन करते हैं तो मनुष्य के अध्ययन में यहाँ मुख्य रूप से सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया जाता है, ये मेन मेथड है, जबकि समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक सर्वेक्षण
पद्धति का उपयोग करता है और इस कारण से मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में मूलभूत अंतर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मानव विज्ञान के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं खास करके, तो इसका उपयोग जो है, जो मानव विज्ञान के आंकड़े हैं, जो इसके तथ्य हैं, इसका उपयोग मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरह की समस्याओं के निराकरण में किया जाता है। यानी मानव विज्ञान का तथ्य जो है या ज्ञान जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा उपयोगी है समाजशास्त्र की अपेक्षा, और समाजशास्त्र के तत्व और ज्ञान मुख्य रूप से मनुष्य के सामाजिक समस्याओं के निराकरण में इसका उपयोग किया जाता है, समस्याओं के निराकरण में उपयोग किया जाता है। और इस कारण से हम देखते हैं कि मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में मूलभूत अंतर है। और इसके बाद आप निष्कर्ष लिखते हैं, और निष्कर्ष में खास करके आपको ये लिखना होता है कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र में मूलभूत अंतर है, किंतु इस अंतर के बावजूद मानव वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि मानव समकालीन मानव के सामाजिक समस्याओं का बेहतर निराकरण किया जा सके। और इस कारण से मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं।